हेलो गाइस, कैसे हो। तो आज भी हम लोग भाई उठ चुके हैं 9 बजे बिल्कुल रोज की तरह, क्योंकि हमें निकलना है अपने काम पर। और सुबह सुबह भाई काम पर जाने से पहले रोज की तरह हमारा नाश्ता और गरम चाय पहले हम लोग पियेंगे। वैसे भी आजकल यार रास्ते में थोड़ा लेट हो ही जा रहा है, इसलिए जल्दी चलते हैं किचन की तरफ और बनाते हैं अपना नाश्ता। अरे यार, मुझे तो अभी याद आया कि मेरा सारा जो सामान है ये तो खत्म हो चुका है किचन का, तो हम लोग को यार जाके दुकान से लाना पड़ेगा अभी। और वैसे मैं लेट हो रहा हूँ, तो जल्दी चलते हैं भाई। तो गाइस मैं निकल चुका हूँ अपना बड़ा सा बैग लेके, जिसमें हम लोग यार बहुत सारा घर का सामान लेने वाले हैं। ये खड़ी है हमारी सुपर स्प्लेंडर, जो कि अभी कुछ ही महीने पहले ली थी मैंने। तो चलते हैं इसको लेके गाइस अपनी शॉप पे, जो कि ज़्यादा दूर है नहीं, बस 5 मिनट लगेगा हमें वहाँ पहुँचने में। लोग सब अपने काम धंधे पे निकलना चालू हो चुके हैं, देखो सड़क पूरी भर चुकी है। हमारी शॉप भी जस्ट आ गई है किराने की। ये पहुँच गए यार अपने शॉप पे। चलो अब जल्दी से उतरते हैं और सारा सामान मैं ले लेता हूँ। तो सामान तो मैंने ले लिया है, चलते हैं अब घर पे अपने और बनाना चालू करते हैं गाइस अपना नाश्ता और अपनी कड़क वाली चाय। थोड़ा तो लेट हो गया यार, क्योंकि यार रास्ते पे ना पूरा जाम लग चुका है गाइस। तो जल्दी चलते हैं इससे पहले लेट हो जाए कुत्ता। अरे बच गया यार, लेकिन इसको बचाने के चक्कर में मेरी गाड़ी डिसबैलेंस हो गई है। ये क्या हुआ था इधर यार, मैं तो पूरा गिर चुका हूँ। ये कुत्ता तो बच गया यार, लेकिन इसको बचाने के चक्कर में मैंने गलती से इस औरत को ही उड़ा दिया है और पूरी भीड़ मच चुकी है इधर पे। ओ नहीं गाइस, पुलिस वाले आ गए इधर। अरे भाई यार, लेकिन मेरी तो गलती ही नहीं थी यार, मैं तो कुत्ते को बचाने के चक्कर में यार सॉरी, मैंने कुछ नहीं किया। यहाँ पे इतनी सारी पुलिस आ गई है और लोग भी मुझे मारने लग गए यार। यार ये क्या हो गया यार, मैं कहाँ फंस चुका हूँ। पूरे छः महीने मैंने बिताए हैं जेल में यार उस गलती के कारण गाइस। और अब मुझे भाई छोड़ा है इन पुलिस वालों ने, लेकिन यार मेरे पास जो भी था ना उन लोगों ने सब छीन लिया है। मेरे बाल पूरे बढ़ चुके हैं, मेरे कपड़े उन लोगों ने पूरे छीन लिए, यहाँ तक कि मेरी बाइक भी यार इन लोगों ने जब्त करके रख लिए गाइस अपने स्टेशन पे। कहाँ गई मेरी बाइक, ये रही, ये देखो गाइस यहाँ पे मेरी बाइक इन लोगों ने रख ली है यार, मेरे से छीन लिए, क्योंकि मेरे पास कुछ ज़्यादा पैसे थे नहीं देने के लिए, तो इन लोगों ने बदले में बाइक ही रख लिए। और 6 महीने से मैं ऑफिस ही नहीं गया, जिसके कारण यार मुझे उस ऑफिस से भी निकाल दिया गया। तो अभी मेरे पास कुछ भी नहीं है गाइस, ना पैसा है ना गाड़ी है, बस एक घर है। यार मेरे घर के सामने ये पुलिस की गाड़ियाँ क्यों खड़ी है, चलो तो जल्दी पास चल के देखते। यहाँ पर टैंक खड़ी गाइस, पुलिस की गाड़ियाँ, मेरे घर को इन लोगों ने सील कर दिया है क्या। नहीं गाइस, मेरे घर को भी इन लोगों ने छीन लिया यार, मतलब छोड़ा क्या है, मेरे पास कुछ भी नहीं है। मेरे घर के आसपास देखो पूरी पुलिस की गाड़ियां खड़ी है, जिसका मतलब मेरा घर भी अब मेरा नहीं है यार। ये तो गलत हो गया यार, लेकिन अभी मेरे पास कुछ भी नहीं है यार, कुछ भी नहीं गाइस, तो मैं कैसे रहूँगा भाई, पैसे कहाँ से लाऊँगा यार खाने पीने के, मतलब कुछ तो होना चाहिए था यार। बहुत ही ज़्यादा हम लोग गलत फंस चुके हैं, तो अब मुझे कुछ सोचना पड़ेगा कि हम लोग करें क्या, जाए कहाँ पे। अरे ये कुत्ता तो वही है गाइस जो हमें भाई वहाँ पे मिला था, जो रास्ते पे मेरे सामने आ गया था, मुझे याद है 6 महीने पहले। इसको क्या हो गया है यार, ये सो रहा है कि बेहोश पड़ा है, इसको मैं जगाता हूँ। इसको पानी नहीं मिला था बहुत दिन से, तो इसलिए मैंने इसको पानी पिला दिया, तो अब ये ठीक हो चुका है भाई। सही है यार, लेकिन इस कुत्ते के कारण ही आज हम इस सिचुएशन में फंसे हैं जो है, इसलिए हमें इससे दूरी बना के ही रखनी चाहिए। मैं जाता हूँ भाई इससे दूर, क्योंकि जब जब मैं इसको देखूंगा ना मुझे वही चीज़ याद आएगी। लेकिन यार ये मेरा पीछे ही नहीं छोड़ रहा है भाई। अरे क्या हो गया, अरे ये खींच क्यों रहा है मुझे गाइस, ये कुत्ता ना मुझे बार बार उसी डायरेक्शन में लेके जा रहा है भाई। क्या हो गया यार इसको, मेरे को नहीं जाना है वहाँ पे। अरे यार मुझे लग रहा है कि वहाँ कुछ है गाइस, मतलब कुछ तो शायद ये मुझे बताना चाह रहा है, या कुछ हेल्प तो नहीं मांग रहा है ये। चलो देख लेते हैं वहीं चल के, इसी तरफ का तो लग रहा है मुझे, ये बोल रहा है। हाँ देख तो इसी तरफ रहा है, किधर, अच्छा इस साइड, ठीक है यार और आगे चलते हैं हम लोग। ये किसी पुरानी बिल्डिंग के पास मुझे लेकर आ गया है, जो कि भाई अब यूज़ में भी नहीं आती किसी के, ये बहुत सालों से बस ऐसी खड़ी हुई है और कोई भी इसके आसपास जाता नहीं है। लेकिन ये मुझे यहाँ क्यों लेके आया है, हमें शायद यहाँ पे चल के देखना चाहिए। मुझे लग रहा है मैं बिल्कुल सही जा रहा हूँ, क्योंकि ये भी यहीं पे आ रहा है। ठीक है गाइस, तो चलते हैं इस बिल्डिंग पे। लेकिन यार ये बिल्डिंग है ना
एयरपोर्ट के जस्ट अंदर है गाइस। तो एयरपोर्ट के बाहर पूरी सिक्योरिटी है और जैसे ही मैं अंदर आया ना, वो लोग मुझे अंदर घुसने भी नहीं दे रहे थे मेरी हालत देख के। लेकिन यार मैं जैसे तैसे इस कुत्ते के साथ अंदर तो आ चुका हूँ, अब देखते हैं ऊपर क्या है। भाई साहब 4 फ्लोर चढ़ के आया हूँ मैं, पूरा थक गया हूँ। लेकिन इधर ये क्या है, यहाँ पे एक गोल्डन फरारी रखी है। ये कैसे गाइस, मतलब इस बिल्डिंग पे जहाँ पे कोई आता भी नहीं है, इधर पे एक गोल्डन फरारी रखी हुई है और ये है किसकी? यार ये कुत्ता मुझे यही तो बताना नहीं चाह रहा था, क्योंकि मैं इसके कारण ही आज इस हालत में हूँ। तो शायद ये मुझे एज अ रिटर्न गिफ्ट यहाँ पे लेके आया गाइस। लेकिन भाई ये गोल्डन फरारी अगर मुझे मिल गई ना, मेरे पे काफ़ी पैसे भी आ सकते हैं और मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, क्योंकि अभी मेरे पास कुछ भी नहीं है। या तो फरारी या तो गरीबी, मेरे को समझ नहीं आ रहा गाइस मैं क्या करूँ।